सो गाइस यहाँ पे मेरा भाई आया है लेने के लिए। सो फाइनली मैं जबलपुर स्टेशन पहुँच गई हूँ एंड सुबह सुबह का टाइम है, 7 बजे मैं पहुँच गई थी, हमारी ट्रेन आ गई थी एंड ये है मेरा भाई। और तो फिर हम निकल गए, ये स्कूटी लेकर आया था लेने के लिए एंड आप देख सकते हो ये जबलपुर का बाहर का व्यू है। सो मॉर्निंग का है एंड यहाँ पे बारिश हुई थी तो मौसम ऐसा है एंड यहाँ पे कार्ड छप रहे हैं एंड नाम लिख रहे हैं इसमें, क्योंकि कार्ड शादी की तैयारी भी स्टार्ट हो गई है तो फर्स्ट डे था तो उसी दिन हम लोग कार्ड लिख रहे थे। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली नेचुरल लाइफ आरजे ब्लॉग्स में। सो गाइस कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ अपने माइक का। और ये मेरी त्रिशु है जो बहुत क्यूट सी लड़की है, और यहाँ पे हम लोग कार्ड पे नाम लिख रहे हैं जिसको जिसको देना है। तो यहाँ पर हम लोग चारों भाई बहन हैं आज एक साथ, और ये दीदी की बेबी लोग हैं। और देख सकते हो अब मैं आप लोग को बैक कैमरा दिखाती हूँ। सो दी हाय, और ये है मेरा भाई इकलौता, ये ब्राइडल है, इसकी शादी होने वाली है और ये काम कर रही है। तो यहाँ पे इतने सारे कार्ड रखे हैं, ये सारे कार्ड हमें देना है और यहाँ पे भी रखा है और घर पूरा फैला हुआ है। और मेरा जो तो चलिए जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। हम लोग ना मार्केट जाने के लिए रेडी हुए मैं और दीदी, पर बारिश आ गई तो सारा प्लान चौपट हो गया। तो हाँ कल भी हुई थी यहाँ पे बारिश, तो आज मैं मॉर्निंग में आई हूँ सुबह थोड़ी देर से आप लोग से। सो यहाँ पे बहुत सारे कार्ड थे और बहुत सारे लोगों को नाम लिखना बाकी था, लिखे हुए नहीं थे। सो यहाँ पे पहले तो मैं कार्ड देख रही थी क्या क्या चीज़ें हैं, क्या है कैसा है कार्ड, एंड उसके बाद यहाँ पे दीदी हैं तो लिख रही थी कार्ड, क्योंकि घर पे सबसे अच्छी राइटिंग दीदी और मेरे भाई की है। मेरी और निशा की राइटिंग सच में इतनी अच्छी नहीं है, सो इसीलिए दीदी लिख रही थी एंड निशा बताती जा रही थी किसको किसको देना है, क्योंकि पापा ने पहले ही एक बुक में लिस्ट लिखवा दिया था किस किस के नाम पे कार्ड जाएगा। सो वही नाम देख देख के लिख रहे थे कार्ड में हम लोग एंड यहाँ पे हम लोग बहुत मस्ती कर रहे थे, कार्ड लिख रहे थे। सो ये सारी चीज़ें ना बहुत मतलब पहले की है, मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि शादी के टाइम में एक भी टाइम नहीं मिला कि वीडियो उसी टाइम अपलोड कर दी जाए। एंड यहाँ पे हम लोग चले गए थे मार्केट की तरफ, यहाँ पे पापा निकाल रहे थे स्कूटी एंड दीदी मैं जाएंगे और पापा जाएंगे। तो यहाँ पे स्कूटी निकल गई एंड दीदी चला रही थी स्कूटी और फर्स्ट टाइम मैं बैठी थी दीदी, क्योंकि दीदी ने अभी न्यू स्कूटी ली है एंड उन्होंने ड्राइविंग सीखा है पूरा। सो उनके साथ बैठ के बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि मैंने तो फर्स्ट बार बैठा है एंड यहाँ पे ना मौसम भी बहुत अच्छा था, आप देख सकते हो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, थोड़ी बारिश हुई थी, मौसम इस तरह से मौसम भी अच्छा लगता है। एंड उसके बाद हम लोग गए थे शॉपिंग करने, मैं अपना लहंगा लेने गई थी, बहुत सारी शॉपिंग किए थे एंड उसके आगे का वीडियो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।